सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर टारगेट्स के। आज 33वें दिन हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना से पहले और बाद के संगठन। तो हमें पहले जो कांग्रेस की जब स्थापना होती है उससे पहले के जितने भी संगठन हैं उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के उसके लिए जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो एक मतलब एक क्रमिक विकास है एक तरीके से। तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो आधुनिक भारत का एक बहुत बड़ी घटना है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा जो जो टॉपिक है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले और बाद के संगठनों का है। तो जितने आज एक दिन में हो पाएंगे उतना मैं आपको दूंगा, कुछ बाकी के रह जाएंगे वो हम कल कर लेंगे। तो स्क्रीन पर जितने भी संगठन लिखे हुए हैं वो सारे संगठन आज आपको तैयार करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मॉडर्न इंडिया में चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, और लेकिन बात यह है कि उसको तैयार कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मॉडर्न इंडिया में चूंकि मैं फिर हमेशा कहता हूं कि 70% क्वेश्चन जो हैं 60 से 70% क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही आते हैं, इसलिए यहां पर आप जितना अच्छे से तैयार करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से पहले के संगठन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे और कैसे उनके बारे में आपको, और इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन थे। तो सबसे पहला संगठन था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यानी कि जमींदारी संघ। सबसे पहला एक तरीके से संगठन था ये, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद ये सारी क्रमिक रूप से सारी इंपॉर्टेंट हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको। इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे और इनके विषय में यदि एक एक दो दो लाइन की जानकारी, बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, क्योंकि कांग्रेस से ही सवाल जनरली पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत डीप में जहाँ घुसना होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई किसको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। तो एक एक दो दो लाइन में इनके बारे में आप तैयार कर लीजिए कि इनकी स्थापना कब हुई, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, सन कौन सा था और कौन इसका जो है, किसने इसको स्थापित किया, ओके। और उसके विषय में विशेष कोई बात है, जैसे तमाम सोसाइटियाँ तमाम संगठन ऐसे हैं जो बाद में किसी और रूप में बदल गए, ये भी आपको जानना है। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, स्टार बना लीजिए इस पर तैयार कर, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ संगठन जिसने 1857 की क्रांति का विरोध किया, उस दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, कई बार ये पूछा जा चुका है। पूना सार्वजनिक सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूना सार्वजनिक सभा, नोट कर लीजिए इसको, तैयार करना है कौन इसका संस्थापक था। उसके बाद इंडिया सोसाइटी, इंडिया लीग, नोट करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। इंडियन एसोसिएशन, नेटिव प्रेस एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पूना सार्वजनिक सभा ऐसे मद्रास महाजन सभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, इसमें शायद ही कोई ऐसा होगा जो पूछा ना गया हो, सब पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कांग्रेस पर फोकस करते हैं, वहाँ से सवाल जनरली आते ही आता है, लेकिन जो है ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी नज़र से छूट जाती हैं। तो अब चूंकि कांग्रेस का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सिर्फ कांग्रेस को ही पढ़ेंगे, तो इसलिए आज हम कांग्रेस की स्थापना के बाद के संगठनों को भी थोड़ा बहुत तैयार कर लेते हैं जितना हम आज तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है ये, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए यहाँ दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सर्वेंट्स के नाम पर हैं, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन अक्सर करके रहता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो दोनों के संस्थापक और सन दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों के नाम के नीचे पीछे जो है वो सर्वेंट्स लिखा है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, दोनों के संस्थापक आपको तैयार करने हैं। और एक फॉर्मूला चाहे बना लीजिए, चाहे मतलब इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वहाँ कन्फ्यूजन ना हुआ है। तो उसी तरीके से होम रूल लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय आधुनिक भारत में,
आधुनिक भारत के इतिहास में हुमरुल लीग का जो योगदान है वो अद्वितीय है। तो हुमरुल लीग को चूंकि हम आगे भी पढ़ेंगे इसलिए यहाँ थोड़ा वो डिटेल पर्याप्त है आपके लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश किसान सभा और अवध किसान सभा, दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवध किसान सभा है, इसको आपको गहराई से पढ़ना है। कैसे ये शुरू हुआ, उसके बाद कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे, किस तरीके से इसका जो है मतलब कहाँ इसका प्रभाव था, डिटेल में पढ़ना है आपको इन दोनों के विषय में। उत्तर प्रदेश किसान सभा और अवध किसान सभा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवध किसान सभा नोट कर लीजिए इसको, पूरा डिटेल आपको इसके बारे में तैयार करना है। उसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, गांधी जी से जुड़ा हुआ है, ये मैं आपको बता ही दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी आप तैयार कर लीजिए, क्या है आखिर कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस तरह से होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप जब आप इसे यहाँ पढ़ेंगे तो आगे भी चीज़ें समझ में आपको आएंगी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सारे के सारे। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जितना आप इसमें गहराई से अध्ययन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें ये कुछ भी कहना कि भाई ये थोड़ा कम है ये ज़्यादा है, सारे के सारे टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद स्वराज पार्टी तैयार कर लीजिए अच्छे से, स्वराज पार्टी के विषय में क्या थी स्वराज पार्टी, किस तरह से इसका उदय हुआ, किस तरह से इसने जो है अपना जो वर्चस्व स्थापित किया और उसके बाद किस तरीके से इसका पतन हुआ, तो उस सारी चीज़ें स्वराज पार्टी के विषय में आप डिटेल में पढ़िएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी और भी संगठन हम रहेंगे लेकिन आज हम इतना ही तैयार कर पाएंगे। हम एक दिन के हिसाब से पूरा टारगेट आपको बना रहे हैं, तो जितना आप एक दिन में इजीली कवरअप कर सकते हैं उतना मैंने आपको दिया है। और हम उम्मीद है कि हम जो है समय से अपना टारगेट, जैसे कि हमने बाकी सब विषयों में बिफोर टाइम अपना टारगेट अचीव किया है, हम यहाँ भी अपना अचीव जो टारगेट अचीव करेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करिए, मानकर चलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा ही जा रहा है। तो इस आशा और शुभकामना के साथ कि आप अपने टारगेट को पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे और आप एन्जॉय कर रहे होंगे इस पढ़ाई को, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।